देखिए, रनिंग वाटर से लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं या लैंडस्केप डेवलप होते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता, इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं। और जब ये कोई काम हजारों लाखों साल में होता है तो उसमें स्टेजेस होती हैं। इसी तरीके से रनिंग वाटर से जब लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, उसको एनसीईआरटी में जो हम पढ़ रहे हैं, तीन स्टेजेस में बांटा गया है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। ठीक है, आज उन स्टेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली स्टेज है यूथ स्टेज, टॉपिक हमारा रनिंग वाटर, चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, चैप्टर 7, एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलता है। स्ट्रीम्स आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज, यूथ स्टेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किस स्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं? यूथ स्टेज, स्टार्टिंग हुई है अभी अभी, स्ट्रीम फ्लो का स्टार्टिंग हुई है अभी। ठीक है, तो दिस स्टेज विद पुअर इंटीग्रेशन एंड फ्लो और ओरिजिनल स्लोप्स। अभी क्या है, स्ट्रीम्स कम है, बहुत कम है। इस लाइन का मतलब समझे, पहली लाइन कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग है। देखो मैं आपको बताता हूं, यमुना गंगा जब निकलती है हरिद्वार तो एक होती है, लेकिन जब वो कलकत्ता पहुंच जाती है तो आगे सुंदरबन डेल्टा बनाती है, तो वो अलग अलग प्लेस उसमें बाइफरकेट हो जाती है। इवन कलकत्ता में भी गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जब वो स्लोप ज्यादा होता है तो सारा पानी एक जगह इकट्ठा होता है। अरे यार, अभी वैली है ना, इधर पानी गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, कहीं भी गिरेगा, वो सब यहां आके इकट्ठा होगा, तो स्ट्रीम एक ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है, स्ट्रीम्स की नंबर ऑफ स्ट्रीम बढ़ता जाता है, क्यों वो भी बताऊंगा। तो अभी स्ट्रीम जो कम है, क्योंकि पानी वैली स्ट्रीम वैली में रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रीम कम है और उनकी इंटीग्रेशन भी नहीं है, एक स्ट्रीम दूसरे स्ट्रीम से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पे एक स्ट्रीम है, यहां पे एक स्ट्रीम है, इन दोनों का पानी आपस में जुड़ता नहीं, इंटीग्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि बीच में अपलैंड होती है, समझ गए? जैसे जैसे ये अपलैंड छोटा होता जाएगा, इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल होता जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सोइंग शैलो वी शेप वैली और वी शेप वैली, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब स्ट्रीम जो होती है यंग स्टेज में होती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो वो वी शेप वैली बनाएगी, मतलब डाउनवर्ड कटिंग करेगी, डाउनवर्ड इरोजन होगा। जब वो बूढ़ी, जैसे उसकी एज बढ़ती है, स्लोप कम होता है और स्पीड कम हो जाती है, तो वो फिर यू शेप वैली बनाती है। यू शेप वैली का मतलब लैटरल इरोजन, मतलब साइड में कटिंग करना। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या, शैलो वी शेप वैलीज है, डाउन कटिंग हो रही है, लेकिन डाउन कटिंग नहीं हुई अभी स्टार्ट इतनी ज्यादा, तो वैली अभी छोटी है, धीरे धीरे उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी। ठीक है, विद नो फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स नहीं है अभी, और विद वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स अलोंग द ट्रंक स्ट्रीम, या फ्लड प्लेन्स अगर हैं भी तो बहुत कम है। अब यहां पे एक मामला आता है, फ्लड प्लेन्स होते क्या है? ठीक है, एनसीईआरटी तो एक शब्द बोल देता है, आप भी पढ़ के चले जाओगे फ्लड प्लेन, लेकिन जब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फ्लड प्लेन से रिलेटेड, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं क्या ही लिख के आओगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, हर वर्ड में समझाता हूं, चल रहा हूं आपको। क्यों? ये हमारी कोई नदी बह रही है मान लीजिए, ठीक है, बारिश हुई या पीछे से पानी आया बरसात के मौसम में या कभी भी, तो ये चढ़ जाएगी ऊपर, उसके बाद क्या होगा, ये जो पानी है ये किनारों से थोड़ा इस तरफ बहना स्टार्ट कर देगा, बहना स्टार्ट कर देगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। जैसे आपने सुना हो बिहार में कोसी नदी जो है, वो क्या होता है, उसमें उसमें पानी बाहर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ कब आती है, जब पानी अपने जो उसका रास्ता है उससे बाहर निकल जाता है, चारों तरफ, दोनों तरफ फैलने लगता है। बाढ़ क्यों आ रही है? बाढ़ इसलिए नहीं आ रही नदी में, नहीं, क्योंकि हम उसके फ्लड प्लेन में रह रहे हैं, हम उस नदी के फ्लड प्लेन में रह रहे हैं, इसलिए बाढ़ हमें लग रही है, वरना वो तो एक्चुअली नदी ने अपना रास्ता बनाया हुआ है कि जब ज्यादा पानी आएगा तो पानी थोड़ा डाइवर्ट कर दूंगी, अपना इधर उधर भेज दूंगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम उसमें रह रहे हैं तो इसलिए हमें नुकसान होता है, तो फ्लड प्लेन जो है इसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। लेकिन क्योंकि अभी स्टेज है ज्यादा, अभी स्टेज अर्ली है, यूथफुल स्टेज है, तो नदी के चारों तरफ ऊंचा इलाका है, तो पानी जाएगा कहां, जा ही नहीं सकता, इधर 50 फुट ऊंची दीवार, इधर 50 फुट ऊंची दीवार, कुछ नहीं, चुपचाप सीधा बहते रहो, है ना, फिर पानी जाएगा कहां, कहीं जा ही नहीं सकता, उसको सीधा ही बहना पड़ेगा, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो आगे बहना, थोड़ा बहुत लेवल उसका राइज हो जाएगा उसी में, गोर्ज के अंदर ही और वैली के अंदर ही, लेकिन वो इधर उधर फैल नहीं सकता, वो फैलेगा तभी उसे जगह मिलेगी। या तो फ्लड प्लेन डेवलप नहीं होते, या बहुत थोड़े से डेवलप हो जाते हैं, मान लीजिए इतने से एरिया में डेवलप हो गए, थोड़ा सा नदी में लैटरल इरोजन कर लिया, इतने से एरिया में फ्लड प्लेन डेवलप हो गए, तो जब बरसात आती है तो पानी यहां तक फैल जाता है, बस इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये जो अपलैंड है छोटा, इधर इधर की तरफ खिसकता जाएगा, इसकी हाइट कम होती जाएगी, है ना, तो फ्लड प्लेन भी इसका बढ़ता रहेगा, समझ गए?
चलिए आगे पढ़ते हैं, समझ आ गया फ्लड प्लेन क्या होता है, फ्लड प्लेन कैसे काम करता है, नदी क्या करती है फ्लड प्लेन में, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम्स डिवाइड आर ब्रॉड, स्ट्रीम डिवाइड ब्रॉड है मतलब एंड फ्लैट विद मार्शेस एंड स्वैपलैंड्स। ये एक स्ट्रीम यहां पे है, एक स्ट्रीम यहां पे है, इनके जो बीच का जो हिस्सा है वो ऊंचा है, फ्लैट है, और इसमें मार्शेज होते हैं, स्वैम्स होते हैं और लेक्स होती हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रनिंग वाटर जो है एक इफेक्टिव इरोजनल एजेंट होता है इन वेट एरियाज। पहली लाइन थी वेट एरियाज, मतलब यहां पे पानी ज्यादा गिरता है, पानी जब ज्यादा गिरेगा तो इकट्ठा भी होगा, तो मार्शी लैंड होगी। जब पुसाल में ज्यादातर हिस्से में अगर बारिश होती है यहाँ पे तो इसको हम वेट एरिया बोलते हैं, तो लैंड जो होगी मार्शी हो जाएगी, कहीं कहीं पे पानी जब इकट्ठा होगा तो लेक्स भी बन सकती है, स्वैम्स भी बन सकते हैं, दलदल वगैरह भी बन सकती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। मेंडर्स, अब ये बोल रहा है मेंडर्स भी हो सकते हैं इफ प्रेजेंट डेवलप, मेंडर्स अगर होंगे इफ प्रेजेंट डेवलप ओवर दीज ब्रॉड अपलैंड सर्फेसेस, अगर मेंडर्स होंगे तो वो इन अपलैंड सर्फेसेस पे और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। अब मेंडर क्या होता है, नदी आ रही है, नदी जरूरी तो नहीं सीधी चलेगी, कभी कभी नदी ऐसे घूम भी जाती है, घूम गई, इसको बोलते हैं नदी का मेंडरिंग, मेंडर करना, घूमना, सांप की तरह कभी कभी घूम जाती है किसी एरिया में। ठीक है, तो अगर तालीम अगर मेंडर है, पहली बात तो होता नहीं, ओल्ड स्टेज में होता ज्यादातर, लेकिन अगर मेंडर है तो वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। क्यों डेवलप होगा मैं बताता हूं, ये भाई नदी बह रही है, भाई नदी बह रही है, जब नदी इधर आएगी सामने तो सबसे ज्यादा दबाव यहां पर पड़ेगा, इरोजन, नदी एकदम पानी स्पीड से आएगा ना यहां पर, है ना, तो यहां पर कटाव ज्यादा होगा, तो ऐसे ऐसे फैलती चली जाएगी नदी। उसी तरीके से फिर जब मुड़ेगी तो फिर यहां पे होगा, यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे भी ऐसे फैलती चली जाएगी, तो इस तरीके से ये डेवलप हो जाएगा, मेंडर का घुमाव और ज्यादा हो जाएगा, और बीच का जो अपलैंड बचा है, क्योंकि अरे नदी नीचे भी काट रही है, साइड में भी काट रही है, नदी की वैली नीचे की डाल बढ़ रही है, ये रहा ना यहां पे, इस तरीके का बीच का हिस्सा जो है ये वाला, ये ऊंचा हो जाएगा, नदी की वैली नीचे चली जाती चली जाएगी, और यहां पे थोड़ा बहुत फ्लड प्लेन भी डेवलप हो सकता है, समझ आ गया। इस तरीके से ये हिस्सा ऊंचा चला जाएगा, क्योंकि नदी की नदी जो है साइड में तो काट ही रही है लेकिन नीचे भी काट रही है, तो ये अपलैंड जो ऊंचा चला जाएगा, ऊंचा होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज मेंबर्स इवेंचुअली एंट्रेंच देमसेल्फ इनटू अपलैंड्स, और ये धीरे धीरे अपलैंड में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऊंचा ऊंचाई इनकी बढ़ती रहती है दीज मेंबर्स की, समझ आ गया यहां तक, मेंबर्स क्या होते हैं समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स में एग्जिस्ट, वाटरफॉल्स और रैपिड भी हो सकते हैं वेयर लोकल हार्ड रॉक बॉडीज आर एक्सपोज, जहां पे लोकल हार्ड बॉडीज जो मिलेंगी। क्या होता है स्टार्टिंग में, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वाटरफॉल है, ये हमारा वाटरफॉल है, यहां से ये वाटरफॉल है हमारा, थोड़ा सा स्टीप बना देते हैं स्लोप, ये हमारा वाटरफॉल है, पानी यहां से गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब जब पानी गिरेगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेज में इरोजन इतना ज्यादा नहीं हुआ, कम हो रहा है, अभी टाइम कम हुआ तो इरोजन भी कम होगा, तो जो सॉफ्ट सेडिमेंट्स हैं वो तो बह जाएंगे, हार्ड रॉक बच जाएगा। अब हार्ड रॉक को उसको इरोज करने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, है ना, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में तो क्या होगा, अभी सॉफ्ट जो सेडिमेंट्स है वो जा चुके हैं, उनको इरोड कर चुका है पानी ऑलरेडी, लेकिन जो हार्ड सेडिमेंट्स है, हार्ड रॉक्स, लोकल हार्ड रॉक, वो अभी हैं, दिख रहे हैं, हम देख सकते हैं उनको, धीरे धीरे वो भी इरोड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक कदम आगे हो गया, अब हम बढ़ते हैं मैच्योर स्टेज की तरफ, नेक्स्ट स्टेज है हमारी मैच्योर स्टेज की तरफ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा टाइम हो गया है नदी को स्ट्रीम को फ्लो करते हुए, लैंडफॉर्म बने हुए, तो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो गया तो अब यूथफुल स्टेज खत्म हो गई, अब हम आ जाते हैं मैच्योर स्टेज की तरफ। अब वो मैच्योर स्टेज में आ गई। मैच्योर स्टेज क्या होती है, ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विद गुड इंटीग्रेशन। अब ये जो एनसीईआरटी है ना, गागर में सागर होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, एक लाइन में बहुत सारी बातें बता दी आपको। ठीक है, क्या कहते हैं, ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम्स आर प्लेंटी, स्ट्रीम्स प्लेंटी है, अब आपने पढ़ लिया मैच्योर स्टेज में स्ट्रीम्स प्लेंटी है, जाके एग्जाम्पल लिखे आएंगे, लेकिन आपको पता कुछ नहीं, पूरे आंसर का आपका मतलब ही चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों, देखो सबसे पहले तो ध्यान दो, स्ट्रीम्स आर प्लेंटी इन मैच्योर स्टेज, अदरवाइज इन द यूथ स्टेज स्ट्रीम्स वर फ्यू, क्यों, क्योंकि स्लोप ज्यादा था,
जो भी पानी यहां से यहां तक का सारा पानी और यहां से यहां तक का सारा पानी वो सब इस जगह बहेगा वैली में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ऐसा नहीं हो रहा, अब इरोजन स्टार्ट हो गया है। ये पानी भी जो है, ये पानी जब ऊपर से नीचे आएगा तो अपने साथ इरोजन करेगा कि नहीं करेगा? हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, रनिंग वाटर ओवरलैंड फ्लो में यहां पे यहां पे यहां पे रिल्स डेवलप हो जाएंगी, गलीज डेवलप हो जाएंगी और वो गलीज फिर एक और स्ट्रीम डेवलप में हो जाएंगी, ऐसा पढ़ा था ना? तो फिर इसका मतलब स्ट्रीम फिर द्वारा बन जाएंगी, जहां पे मिनरल जो होंगे वो ऐसे होंगे, सोल्यूबल होंगे, ज्यादा ज्यादा इरोजन होगा किसी वजह से, वहां पे स्ट्रीम डेवलप हो जाएगी टाइम के साथ, है ना? तो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स अब क्या है, आप प्लेंटी स्ट्रीम्स ज्यादा हो, पहले फ्यू थी यूथफुल में, अब प्लेंटी हो गई है, समझ गए? विद गुड इंटीग्रेशन, मतलब पहले क्या था, एक नदी यहां पे थी स्ट्रीम, एक स्ट्रीम मान लीजिए यहां पे था, तो इनका कोई इंटीग्रेशन नहीं था, इधर का पानी इधर नहीं पहुंचता था, अब बीच में 10 स्ट्रीम आ गए तो इधर का पानी इधर आने का, और बीच का जो एरिया जो ऊंचा था वो नीचा, उसको उसका इरोजन लगातार हो रहा है, तो उनका इंटीग्रेशन आपस में, उनका पानी कभी कभी ओवरलैप मिल जाता है आपस में, समझ गए? ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये लाइन समझ आ गई आपको? विद गुड इंटीग्रेशन द वैलीज आर स्टिल वी शेप, स्पीड कम हो चुकी है, इरोजन भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन वैलीज अभी भी वी शेप्ड ही है, क्योंकि लेटरल इरोजन हैज जस्ट स्टार्टेड। एक बार मैं आपको और बता रहा हूं कि ज्योग्राफी में या कहीं भी एक प्रोसेस अगर काम कर चल रहा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा प्रोसेस काम नहीं करेगा, ठीक है? अगर डाउनवर्ड कटिंग हो रही है, वी शेप वैली बन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि लेटरल इरोजन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, साइड कटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, नहीं, थोड़ी बहुत तो होती है। ऐसा हो सकता है कि डाउनवर्ड कटिंग भी हो रही हो, वैली की डेप्थ भी बढ़ रही हो और साइड कटिंग भी हो रही हो, फ्लड प्लेन्स भी डेवलप हो रहे हैं, समझ गए? साइड कटिंग से फ्लड प्लेन्स डेवलप होते हैं, ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं वैलीज जो है वी शेप में है बट डीप, लेकिन अभी गहरी है। ट्रंक स्ट्रीम्स आर ब्रॉड इनफ टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन्स, अब जो ट्रंक स्ट्रीम्स हैं उनके आस पास फ्लड प्लेन्स डेवलप हो चुके हैं, वो इतने चौड़े हो गए, लैटरल कटिंग थोड़ी बहुत तो हो ही है ना कि अब और दूसरा अब मैच्योर स्टेज में आ गए तो अब लैटरल कटिंग बढ़ती जाएगी, डाउनवर्ड कटिंग कम होती जाएगी, लैटरल कटिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है, फ्लड प्लेन्स डेवलप हो रहे हैं विद इन स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स के अंदर ही, विच में फ्लो इन मेंडर्स कन्फाइंड विद इन वैली, उन्हीं स्ट्रीम्स में जो कि मेंडर में फ्लो कर रही है, मतलब इनफ टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन्स विद इन स्ट्रीम्स विच में फ्लो इन मेंडर्स एंड विच सॉरी एक मिनट जस्ट एक मिनट विच में within which streams within which streams are broad enough to have wider flood plains within which streams may flow in meanders, ठीक है? streams may flow in sorry यहाँ पे लिखना बोल गया था within which streams may flow in meanders confined to the valley, क्या बोल रहा है कि valleys are still in V shape deep, trunk streams are broad enough to have wider flood plains भी develop हो गए, काफी चौड़े हो गए, within which streams may flow in meanders, जिनके अंदर वैली के अंदर ही मेंडर भी हो रही है, समझ रहे? मेंडर कहां हो रही है, वैली के अंदर हो रही है, बाहर भी मेंडर की स्टार्ट नहीं हुई है, विद इन द वैली कन्फाइंड विद इन द वैली, मेंडर कहां पे, वैली के अंदर, ठीक है? समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैट एंड ब्रॉड इंटर स्ट्रीम एरियाज एंड स्वैम डिवाइड्स टर्न शॉप, अब क्या कह रहा है, फ्लैट एंड ब्रॉड इंटर स्ट्रीम एरियाज एंड क्या होता है, एक वाटर डिवाइड होता है, ठीक है? देखिये ये हमारा ये फ्लड प्लेन है, यहां पे की स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम यहां पे है, ये इस तरीके से नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा सा इस तरीके से है, ठीक है? अब हमें इसे देख करके ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस स्ट्रीम में कहां का पानी आ रहा है, आ तो इधर का आ रहा है लेकिन कहां तक का है, यहां तक से भी ऐसा हो सकता है कि यहां पर ऊंचाई हो, ऐसा हो सकता है यहां पर ऊंचाई हो, है ना? तो स्वयं पानी इसमें कहां से आ रहा है, ऊपर स्वयं मार्स से उनमें पानी इकट्ठा होता है, वो नीचे चला जाता है, लेकिन कितने किस स्वयं का पानी किधर जा रहा है वो अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा का पूरा अपलैंड है, टेबल लैंड है, टेबल लैंड होता है, ठीक है? अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये सब इरोड होता चला जाएगा, सिर्फ बीच का हिस्सा बचेगा, सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा, तो अब हमें पता होता है कि वाटर डिवाइड जो है, स्ट्रीम डिवाइड ये है, इधर से इधर आ रहा है, इधर का पानी इधर जा रहा है, वही ये बात बोल रहा है। वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स डिसअपीयर, वाटरफॉल्स और रैपिड्स जो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि अब काफी टाइम हो रहा है इरोजन होते हुए, तो जो हार्ड रॉक्स थे वो भी अब धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है?
सब कुछ आपको समझ आ गया, कुछ नहीं समझ आया हो तो मैसेज कमेंट कीजिए। अभी पहले मैच्योर स्टेज हो गया, एक बार ओल्ड स्टेज इसमें बसता है, इसमें वर्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उनको मैं क्लैरिफाई करता चल रहा हूँ। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा। फिलहाल आप मूव ऑन करते हैं ओल्ड स्टेज की तरफ, ठीक है? चलिए, चलिए ओल्ड स्टेज पे आ गए। अब हम ओल्ड स्टेज में क्या बोल रहा है, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड स्टेज आर फ्यूअर विद इन जेंटल ग्रेडियंट। ट्रिब्यूटरीज जो स्मॉलर है, ठीक है, और उनका ग्रेडियंट भी, स्लोप ग्रेडियंट भी जेंटलर है, स्लोप भी कम है, ठीक है। अब ये स्मॉल स्टेज की बात कर रहा है, जब ये ओल्ड स्टेज में जब आया, जब ओल्ड स्टेज बढ़ती जाएगी तो ट्रिब्यूटरीज भी कभी साइज बड़ा होता जाएगा और ज्यादा होती जाएगी वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्ट्रीम्स फ्लो फ्रीली ओवर फ्लड प्लेन्स। अब फ्लड प्लेन्स डेवलप हो चुके हैं अच्छे से, तो स्ट्रीम्स फ्लड प्लेन्स में आराम से, जब भी पानी बढ़ता है फ्लड प्लेन्स में फैल जाता है, और फिर जो पानी घटता है वापस आ जाता है स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। शोइंग नेचुरल लिवीज एंड ऑक्सीबो लेक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, एक आ रही है नेचुरल लिवीज और एक आ रही है ऑक्सीबो लेक्स। नेचुरल लिवीज क्या होती है मैं बताता हूँ आपको, ये हमारा पानी स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, फ्लड प्लेन डेवलप हो चुका है, पानी बढ़ा तो पानी बाहर निकलेगा, अपने फ्लड प्लेन की तरफ आएगा, इधर की तरफ और ऐसे इस तरफ भी आएगा, दोनों तरफ जाएगा, समझ आ गया। जब ये पानी जाएगा तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेकर के जाएगा, जो इसकी मैक्सिमम जो इसकी रीच होती है वहां पे, यहाँ पे जाएगा वो सेडिमेंट्स लेकर के यहाँ पहुंचेगा। अब इस रीजन में ये कुछ टाइम जब रहेगा, स्पीड इसकी जीरो हो जाएगी, कुछ टाइम रहेगा तो सेडिमेंट्स यहाँ पर ड्रॉप कर देगा, और फिर पानी जब वापस घटेगा ये वापस चला जाएगा, लेकिन सेडिमेंट्स यहीं रह जाएंगे। इसी तरीके से यहां पे होता है, यहां पे भी ऐसे ही होगा। तो यहां पे धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, जब ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है कुछ हजारों सालों तक, तो यहां पे एक दीवार सी बन जाती है मिट्टी की, थोड़ी ऊंची, थोड़ा ऊंचा हिस्सा बन जाता है, ऐसा लगता है दीवार है मिट्टी की, उसको हम नेचुरल लीव बोलते हैं। ये नेचुरल एक ब्रेकर होता है, इससे आगे पानी नहीं जाता, धीरे धीरे दीवार इतनी ज्यादा होती है कि इससे ये एक ब्रेकर का काम करने लगता है, इससे आगे हमें पता चल जाता है कि फ्लड प्लेन में जाता है, फ्लड यहीं तक आती है, इससे आगे नहीं आती, ठीक है। और दूसरा हमारा आ गया ऑक्सीबो लेक्स। अब ऑक्सीबो लेक्स क्या होती है ये और सुन लेते हैं, नदी मेंडर कर रही है, ये हमारी नदी है, ये इस तरीके से मेंडर कर रही है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जब नदी आएगी तो यहाँ पे ज्यादा दबाव डालेगी, डालेगी कि नहीं डालेगी, है ना, फिर इधर आएगा पानी, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, यहाँ पे ज्यादा दबाव डालेगी यहाँ पे, तो इस तरीके से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लेक जो है, ये जो इतना ज्यादा ये हिस्सा जो है, समझे, बीच वाला हिस्सा बच जाएगा, थोड़े टाइम बाद ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, तो ये नदी इस तरीके से हो जाएगी, नहीं समझा, क्योंकि ये वापस पानी जब इधर आ रहा है, इधर जब जाएगा तो इस दीवार पर ज्यादा दबाव डालेगा, इस दीवार पर ज्यादा दबाव डालेगा, तो नदी का रास्ता इधर होता चला जाएगा, इधर होता चला जाएगा, इधर होता चला जाएगा। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये जो रास्ता है इसका पानी का, ये इधर हो रहा है, ठीक है, और ये वाला इधर की तरफ, सॉरी, ये हिस्सा इधर की तरफ कटता जाएगा। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि नदी का रास्ता ऐसे हो जाएगा, कटाव इतना ज्यादा होगा, इरोजन इतना ज्यादा होगा कि नदी का रास्ता इधर इधर हो जाएगा, और ये क्या होगा, एक ये हिस्सा जो है ये इस तरीके का, यहाँ पे एक लेक डेवलप हो जाएगी, समझ आ गया। पहले क्या था, पहले यहां पानी जा रहा था इस तरीके से, अब कटाव होता रहा तो कटाव ज्यादा यहाँ पे होगा और इस तरफ होगा, ठीक है। कटाव जब इस तरफ ज्यादा होगा तो ये हिस्सा जो है ये मिलता चला जाएगा, यहाँ पे ये रीजन छोटा होता चला जाएगा लैंड का, और पानी इधर उधर बढ़ता चला जाएगा, तो ये पूरा एक रीजन ऐसे नदी का रास्ता ये बन जाएगा, ये हिस्सा टूट जाएगा, इसको हम ऑक्सीबो लेक कहते हैं, घोड़े की नाल जैसी दिखती है लेक की, ठीक है, समझ आ गया ऑक्सीबो लेक क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद लेक स्वैम्स एंड मार्शेस। अब डिवाइड्स जो ब्रॉड हो चुके हैं और फ्लैट हो चुके हैं विद लेक स्वैम्स एंड मार्शेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप इज एट स्लाइटली और अबव सी लेवल। स्लोप इतना कम हो चुका है कि या तो सी लेवल जितना ही है या थोड़ा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ओल्ड स्टेज हमारा हो गया, कुछ कोई टर्म, कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट समझ आया हो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। बाकी लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, थैंक यू।